अल्बर्ट आइंस्टाइन स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी करते थे और अपने ऑफिस का काम जल्द से जल्द खत्म करके दिन का ज्यादातर समय अपनी रिसर्च में लगाया करते। और 1905 ये वो साल था जिसे मिराकल ईयर भी कहते हैं। इसी साल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने 4 साइंटिफिक पेपर्स को पब्लिश किए थे, जिनमें शामिल थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल रिलेटिविटी और चौथा पेपर है A=MC². उस वक्त तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के साइंटिफिक पेपर्स को अनदेखा किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोग उनकी बातों को समझने लगे। और असली कमाल हुआ 29 मई 1919 टोटल सोलर इक्लिप्स का दिन। साइंटिस्ट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन 1915 में पब्लिश किए थे उसे टेस्ट कर रहे थे। सोलर इक्लिप्स के दौरान साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप से ये देखे कि सूरज के नजदीक कुछ तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में वो तारे उस जगह मौजूद ही नहीं है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ब्रह्मांड में रोशनी किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के आसपास से बेंट होकर गुजरने लगती है, इसलिए वो जो दूर तारों से आती रोशनी है उन रोशनियों को हमारा सूरज अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बेंट कर रहा है, जिसके चलते देखने वाले को वो तारे उस जगह दिखाई दे रहे जहां वो मौजूद नहीं है। इससे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही साबित हुई और इस खास दिन के बाद पूरी दुनिया अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानने लगी।